गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास फर्स्ट। सभी बच्चे अपनी इरेज़ की बुक्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े थे। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। देखिए वी मस्ट बी केयरफुल एट एवरी प्लेस एंड ऑल द टाइम। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए हर समय। बी केयरफुल एंड अलर्ट विल हेल्प अस टू बी सेफ। हमें मदद का केयरफुल सुरक्षित एंड अलर्ट हमेशा सचेत रहना चाहिए। दूसरों की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। सेफ्टी मीन्स कीपिंग योर सेल्फ एंड अदर फ्री फ्रॉम एनी हार्म और डेंजर। सुरक्षा का मतलब होता है कि खुद को और दूसरों को खतरे से सुरक्षित रखना। देर आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली बाय एवरीवन, वी कैन नॉट अवॉइड मेनी एक्सीडेंट्स। हम अगर सुरक्षा बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, उससे क्या होगा बताइए। बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने से पहले ही हम सचेत हो जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए क्या क्या है दुर्घटनाएं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीली चीजों से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिसिटी की चीजों के टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, और आग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर प्लग और पाइलन। इलेक्ट्रिक वायर्स और इस्त्री के टच नहीं करना चाहिए। यू में गेट एन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, उससे आपको क्या लग सकता है, एक बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है, डू नॉट प्ले विद माचिस, माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नेल्स, सीजर, ब्लेड, नाइफ, यू विल गेट हर्ट, इससे आपको हर्ट हो सकता है, दुख सकता है या कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप चाकू लेकर कोई काम कर रहे हो तो बच्चे हो, वो छोटे तो उंगली कट सकती है, बड़े हो तब भी कट सकती है। तो हमेशा सुरक्षा से ही इस्तेमाल करना चाहिए। किन किन चीज़ों का, नाइफ, ब्लेड, सीजर। देखिए डू नॉट प्ले विद माचिस स्टिक्स, माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसमें गैस फायर, इससे आग लगने का खतरा रहता है। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन। आप गिर सकते हो, रोड पर कभी दौड़ नहीं लगानी चाहिए जल्दीबाजी में, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट रन, डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर, यू विल ट्रिप एंड फॉल। ठीक है,
में क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, देखो सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का प्रयोग करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा जो पैदल चलने का रास्ता बना होता है जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। Look at the traffic signal before crossing the road. Road cross करते समय traffic signal का ध्यान में रखना चाहिए। देखिए cross the road when the light show to yellow, green or red. ये जो रोड लाइट्स होते हैं इनके तीन कलर होते हैं। देखिए रेड मीन्स डेंजर होता है, ग्रीन मीन्स स्लोली, येलो मीन्स स्टॉप। देखिए आगे डू नॉट प्ले द रोड, रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहां पे व्हीकल आते जाते रहते हैं। लुक एट द ट्रैफिक सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग द रोड, और ट्रैफिक सिग्नल देखते ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। इफ देयर इज नो ट्रैफिक लाइट लुक लेफ्ट, अगर कोई भी ट्रैफिक लाइट छोड़नी होगी तो हमें पहले लेफ्ट साइड देखना चाहिए फिर राइट साइड देखना चाहिए। एंड क्रॉस ओनली इफ द रोड इज क्लियर, और रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब रोड साफ हो, मतलब कोई भी रफ्तार से वाहन आ रहा जा रहा नहीं हो। देखिए सेफ्टी व्हील प्लेइंग, खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्ले गेम्स इन पार्क और प्लेग्राउंड, हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए, पार्क और प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। डू नॉट क्लाइम ऑन फेंसेस वॉल और विंडोज, हमें दीवारों की फेंसेस और दीवारों पर नहीं चढ़ना चाहिए। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हो और आपको चोटें लग सकती हैं। ठीक है, देखिए डू नॉट पुश और फाइट, डू नॉट पुश और फाइट विद अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेवर टीज योर हर्ट एनिमल, जानवरों को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, ना ही उनको कोई नुकसान पहुँचाना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द गेम, हमेशा खेल के नियमों की पालना करनी चाहिए। सेफ्टी व्हेन स्विमिंग, जब आप स्विमिंग कर रहे हो तब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्लास्टिक की रबड़ की उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप डूब नहीं सकें। अगर आपको तैरना आता है तो आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो। इफ यू डू नॉट
ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर पानी की ज़्यादा गहराई हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। तैरने के बाद आफ्टर स्विमिंग और स्विमिंग के बाद साफ पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग, जब आपको यात्रा करते हो जब आपको क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। स्टैंड इन क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, हमेशा एक लाइन में खड़ा होना चाहिए जब आप बस का इंतजार कर रहे हो। चलते वाहन से उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए बार बार, इससे आपको बहुत ही गहरी चोट लग सकती है। डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ योर मूविंग बस, चलती बस से कभी भी सिर और हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे भी आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ ए बस, और बस के फुटबोर्ड पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। जब चालू बस हो चलते वाहन में कभी भी फुटबोर्ड पर नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि बस एकदम से रुकेगी या चलेगी तो धक्के से आप बाहर भी गिर सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है। देखिए फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट क्या होता है, द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को चोट पड़ती है तुरंत हम सबसे पहले उपचार करते हैं, तो जिस उपचार बॉक्स जिस पेटी से उपचार करते हैं उसे फर्स्ट एड किट बोलते हैं। व्हेन समवन गेट हर्ट, अगर कोई हर्ट हो जाता है तो टीचर और एन अडल्ट इमीडिएटली, अगर कोई भी हर्ट हो जाता है किसी को चोट पहुँचती है तो हमें तुरंत अपने से बड़े को या किसी अध्यापक को सूचना देनी चाहिए। इन कार इन क्लासरूम एंड ऑल्सो कैरी वाइल ट्रेवलिंग, चाहे से कार हो या बस हो किसी वाहन में आप यात्रा कर रहे हो तो आपको ये सुरक्षा बरतनी चाहिए। देखिए सेफ्टी मीन्स कीपिंग आवर सेल्फ एंड अदर फ्री फ्रॉम हार्म, सेफ्टी मीन्स कीपिंग आवर सेल्फ एंड अदर सुरक्षा खुद की भी करनी चाहिए और दूसरों की भी, ताकि कोई नुकसान नहीं हो। We need to be very careful and alert on the road. हमें रोड पर चलते समय बहुत ज़्यादा सावधानी और सचेत रहने की जरूरत रहती है। Do not play with sharp object. नुकीली चीज़ों से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। In classroom and also carry it by traveling. Help given to an injured person is called first aid. ठीक है, देखिए आपको घर से क्या क्या कराना है। डू टिक द करेक्ट